કર્ણાટકમાં રાજકીય સંકટ વધુ ને વધુ ઘેરાઈ રહ્યું છે ત્યારે કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના રાજીનામાથી સત્તાના સમીકરણ બદલાતા જોવા મળી રહ્યા છે ત્યારે બધા જ ધારાસભ્યો રાજીનામું આપીને મુંબઈ આવી પહોંચ્યા છે એમાંથી જ એક ધારાસભ્ય બીસી પાટીલે સંવાદદાતા અભિષેક શર્મા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાત કરી હતી कर्नाटक का संकट लगातार गहराता जा रहा है और कर्नाटक का जो लगातार जो जितने विधायक हैं वह मुंबई में डेरा डाले हुए हैं कि किसी भी सूरत में वहां की सरकार गिर जाए। हमारे साथ बीसी पाटिल साहब है, कांग्रेस के विधायक हैं और सीनियर लीडर भी हैं। ये बात करने के लिए इस वक्त मुंबई में पवई रेनेसेंस होटल में रुके हुए हैं। सीधे हम इनसे बात कर रहे हैं किस तरीके से आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। बीसी पाटिल साहब स्वागत है इंडिया न्यूज के लिए, ITV नेटवर्क के लिए, न्यूज डेस्क के लिए। क्या कहेंगे सर, किस तरीके की रणनीति आपकी आगे बनने जा रही है? नमस्कार, थैंक यू। आगे कोई बात नहीं, हम 13 लोग लास्ट सैटरडे रिजाइन कर दिया MLA स्थान को, बाद में आज एक आदमी रिजाइन किया। सो हमारा इरादा है वो कर्नाटक में गवर्नमेंट सम्मिश्र सरकार चल रहा है वो एक साल दो महीने से काम और डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए हम समान मनस्क लोग, कॉमन थिंकिंग पीपल ज्वाइन टुगेदर एंड वी हैव रिजाइंड ऑन सैटरडे। एक सवाल लगातार एक खड़ा हो रहा है कि ये आज स्पीकर ने साहब ने ये कहा कि जो जितने लोगों ने रिजाइन दिया है वह सही फॉर्मेट में नहीं दिया है, इसके बारे में क्या लगता है? आप लोगों ने सही फॉर्मेट दिया नहीं, इसलिए 5 लोगों ने सिर्फ सही फॉर्मेट रिजाइन दिया है और लोगों ने इसके वजह से आपका इस्तीफा एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है? हम लोग दिया है, हम माई BC पाटिल MLA ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजाइनिंग वॉलंटरली टू द पोस्ट ऑफ MLA, दैट्स ऑल वी हैव गिवन। आई डोंट नो हाउ इट इज नॉट प्रॉपर एंड ऑल अदर थिंग्स। Even if we came to know, if a speaker inform us this is not in order, हम फिर जाके वो अभी एक resignation letter देने को तैयार है। बिल्कुल, मतलब जो जो उनको फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट देने को तैयार है, जो फॉर्मेट में जिस तरह फॉर्मेट चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मेट मिले तो उसमें देने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन सर आगे की आपकी आप लोगों की रणनीति क्या होगी, किस तरीके की आगे का आपका प्लान ऑफ एक्शन, किस तरीके का आप करने जा रहे हैं? क्योंकि लगातार संकट गहराता जा रहा है और कांग्रेस लगातार ये ब्लेम कर रही है कि इसके पीछे BJP पूरी प्लानिंग कर रही है और उनके हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है पूरी। बहुत गलत है, हमारा पीछे कोई भी नहीं, कोई BJP नहीं कि किधर भी नहीं है। हम वॉलंटरली ऑल 13 MLAs वॉलंटरली वी आर रिजाइनिंग, तो कोई भी नहीं, कोई पीछे, हमारा पीछे कोई भी नहीं। लेकिन लगातार एक सर सवाल एक खड़े होते चले जा रहे हैं लगातार कि किस तरीके जिस तरीके से आप लोग मुंबई में रुके हुए हैं, मुंबई में लगातार यहाँ पे लॉजिक सपोर्ट द्वारा BJP कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। एक लगातार कांग्रेस के लोगों ने देखा होगा अपने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, कल उन्होंने रैलियां निकाली थी, प्रोटेस्ट किया था, लगता है कि मामला गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आप लोगों के जिस रिजाइन दिया है इसके पीछे? पॉलिटिक्स में ये सभी रहता है, हमारा पीछे कोई नहीं, कोई पार्टी वाले नहीं है, हम खुद JDS एंड कांग्रेस वाले आए इधर, हमारा स्वइच्छा में आए हैं, कोई भी नहीं है इधर। ये पॉलिटिक्स में ऐसा करता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि वो इसमें बेनिफिट लेना चाहता है, उसके लिए कर रहा है, कोई नहीं है इसमें। लेकिन सर एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोगों के आखिरकार डिमांड्स क्या है, कि सबसे बड़ा सवाल लोग ये जानना चाहेंगे डिमांड्स क्या है जिसके लिए आप लोग रिबेल कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, क्या है थोड़ा सा? हमारा डिमांड है समग्र कर्नाटक का अभिवृद्धि। इधर क्या हो गया, मैं उत्तर कर्नाटक से आया हूँ, उत्तर कर्नाटक कंप्लीट निर्लक्ष होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। मेरा जिले में मैं एक ही कांग्रेस शासक हूँ, आउट ऑफ 6 आई एम एक पर्सन, दूसरा BJP है। फिर भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या वो अभिवृद्धि कार्य कोई नहीं चल रहा है, जिले में नहीं चल रहा है, नॉर्थ कर्नाटक में चल रहा है। ये कर्नाटक में क्या हो गया कि फिर तो तीन चार डिस्ट्रिक्ट में दूसरा डिस्ट्रिक्ट नेग्लेक्ट किया, उसके लिए हम सोचा बैठे ऐसे गवर्नमेंट चले तो कर्नाटक का भविष्य अंधा हो रहा है, उसके लिए हम सोचा ये डेवलपमेंट होना चाहिए कर्नाटक का, उसके लिए हम सब बैठ के एडिशन ले लिया। लेकिन डेवलपमेंट जो होना चाहिए क्या इसके लिए क्या लगता है कि सरकार चेंज होगी तो डेवलपमेंट होगा? लगता है कि जो कुमारस्वामी है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टी में कोई विरोध है, सिद्धरमैया साहब हैं, किस तरीके का विरोध, कौन जो सही काम नहीं करने दे रहा है आप लोगों को, इसके वजह से आप लोग विरोध करने को उतारू हुए हैं? अभी टोटली वो सम्मिश्र सरकार के ऊपर हम विरोध कर रहे हैं,
समय से सरकार अच्छी नहीं चल रहा है, इसके लिए हम सोच के कर दिया। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि इसके लिए आप लोगों को मिनिस्टर बनाया जाए, या फिर इस तरीके से क्या लगता है कि और दूसरा कोई सीएम बने, यानी सिद्धरमैया साहब बन जाए या फिर डीके सुकुमार साहब सीएम बन जाए, इसके लिए आप लोग क्या वापस ले लेंगे ऐसा कुछ? ऐसा कोई विचार नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन ये लगता है नहीं कि क्या आप लोग, अगर आप लोगों को मिनिस्टर बनाया जाए, ये भी ऑफर आ रहा है कि आपको मिनिस्टर बनाया जाए, आप लोग मिनिस्टर बन जाए, ये भी ऑफर आपके पास आ रहा है? नहीं, कोई ऑफर भी नहीं, कोई बात भी नहीं किया हमारे साथ, हम इधर बैठे बैठे हुए हैं, कोई ऑफर नहीं। ऑफर आए तो भी हम नहीं मानते, क्योंकि हम एक बार डिसीजन ले लिया रिजाइन करने को, रिजाइन कर दिया, फिर वापस जाने का बात नहीं है। लेकिन सर, एक 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 ही खड़ा होता है लगातार कि आखिरकार आपकी लड़ाई कब तक चलेगी, मतलब किस तरीके का इसका एंड क्या होगा, क्योंकि आप लोग को लगातार बीजेपी की तरफ से लगातार, हालांकि जो आरोप लग रहे हैं कि आपको ऑफर आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आपको मनाने की प्रयास कर रहे हैं, लगता है कहीं से आपको पास मैसेज आया है मान मनाने की बात की, कि आप लोग मान जाइए, वापस आ जाइए ताकि गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए, फिर हम अच्छा विकास करेंगे कर्नाटक का? वो ऐसा कोई ये नहीं है, ऑफर नहीं, कुछ भी नहीं, हम देखेंगे कि कब अच्छा होता है, उस टाइम डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये कब तक, मतलब आप लोग कब तक संकट चलता रहेगा, यानी देखेंगे बिकॉज हम सब बैठ के बात करते हैं, सब बैठ के डिसीजन लेता है, देखेंगे क्या क्या होता है। यानी किसी भी सूरत में अब कांग्रेस की जो सरकार है, जो भी जेडीएस कांग्रेस सरकार है, वो बचने वाली नहीं है कर्नाटक में? वो तकलीफ है, अभी बहुत तकलीफ है, मेजोरिटी लूज हो रहा है, इसलिए तकलीफ है। तो ये गवर्नमेंट, मतलब इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, एक दो आखिरी सवाल सर, कि क्या लगता है गवर्नमेंट ये नहीं बच पाएगी? अब जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से आप लोगों ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, हालांकि वो अल्पमत में है, तो क्या बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो उसमें सपोर्ट करेंगे आप लोग? देखेंगे, हम अभी तक नहीं सोचा, देखेंगे क्या करना आगे, हम सब बैठ के देखते हैं, डिसीजन करते हैं। एक सर आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लगता है कि चूंकि आपके पार्टी में कोई नेता नहीं रहा, राहुल गांधी ने रिजाइन दे दिया, कि इसके वजह से लगता है कोई नेता नहीं, इसके वजह से पार्टी से बाहर जाना रास्ता बेहतर होगा, और सिद्धरमैया साहब या जो भी हैं सही से नहीं संभाल पा रहे हैं एक स्टेट को, इसके वजह से आप लोग बाहर जा रहे हैं? नो, वो राहुल गांधी जी का बात अलग है, कर्नाटक स्टेट का अलग है, उसको कोई इसको रिश्ता कोई रिश्ता नहीं, वो अलग है, ये अलग है। यानी अब आप लोग किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले हैं, किसी भी सूरत में बैकफुट पर नहीं जाएंगे अभी आप? नहीं जाने का। बिल्कुल, और ये कब तक मुंबई में कब तक बने रहेंगे आप, जब तक? अब देखेंगे, हम सोच रहा है क्या करना, अभी स्पीकर साहब ऐसा बोला, क्या करना क्या करूं, सब बैठ के डिसाइड करके डिसीजन लेता है। तो क्या लगता है कि इसके इसी बीच आप लोग, लगता नहीं वापस बेंगलोर जाना चाहिए, कर्नाटक जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो संकट है आप लोग सही फर्म डिजाइन दें और वापस वहाँ पे जाके बातचीत करें? वापस बेंगलोर जाने की बातचीत चल रही है कि मुंबई में रुक के सब देखेंगे? ना, हम बेंगलुरु जाके खुद कुछ स्पीकर साहब को मिल के देता है। तो क्या ये कल बेंगलुरु जाएंगे ऐसा कुछ? देखेंगे कब जाना क्या जाना, वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, ये देख रहे हैं बीसी पाटिल साहब है, जिनका साफ बहुत डिटेल में इन्होंने हमारे से बात किया और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि किस तरीके की रणनीति इनकी है और आगे की मीटिंग होगी उस बातचीत होगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में बैक फुट पर जाने वाले नहीं है और ना ही पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया, फैसला अडिग है। रही बात जो अगर सही फॉर्मेट में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सही फॉर्मेट में इस्तीफा स्पीकर को जाकर खुद मिलकर सौंप देंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।